हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्षम एजुकेशन में। साथियों, प्रतिदिन की तरह जो आज की सीसीएस यूनिवर्सिटी की न्यूज है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, और साथ के साथ जो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके भी आंसर करने वाला हूँ। तो आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, काफी सारे टॉपिक पर हम बात करेंगे, कुछ चीज में आपको क्लियरिफिकेशन भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज की वीडियो बहुत खास है, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और आज की वीडियो के बारे में आपका क्या सुझाव है, आप क्या कहना चाहते हैं, आपके क्या विचार हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूँ इस चैनल के माध्यम से। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके बारे में। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो एग्जाम को लेकर ही पूछा जा रहा है कि हमारे एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो फिर कब तक होंगे, और जो अब क्लासेस चलने वाली है ऑनलाइन क्लासेस वो कब तक चलेगी। तो सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिलने वाले हैं, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। सबसे पहले मैं कुछ आपको क्लेरिफिकेशन करना चाहता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं प्रमोट होंगे उच्च शिक्षा के छात्र, ये अभी एक दिन पहले की न्यूज थी, एक दिन पहले की न्यूज थी, और किसमें थी, अमर उजाला में थी, अमर उजाला ब्यूरो यानी कि अमर उजाला में थी। आप देखिएगा न्यूज़पेपर पे या आप किस चीज पर आप बिलीव करेंगे, एक दिन पहले की न्यूज थी कि प्रमोट होंगे उच्च शिक्षा के छात्र, और जिसमें क्या कहा गया है, आप जब इसकी पूरी न्यूज को आप पढ़ेंगे, मैं इंसॉर्ट में बता देता हूँ कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को छोड़कर जो फाइनल ईयर के एग्जाम होंगे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को प्रमोट किया जाएगा। अब ये न्यूज एक न्यूज पेपर में नहीं है, अब कितने न्यूज पेपर में आप देखिएगा, यानी कि अमर उजाला के लिए अलग अलग में है, ऑनलाइन की तैयारी तेज। ये तो आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो 20 तारीख से स्टार्ट कर दी जाएगी, ये ऑनलाइन के लिए है। जो कल की न्यूज थी कि 20 मई से आपकी जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन स्टार्ट कर दी जाएंगी। अब यहाँ पर देखिएगा आपका उच्च शिक्षा के विद्यार्थी इस साल भी किए जाएंगे प्रमोट, तो ये भी जो न्यूज है ये किसकी है, ये भी आपके अमर उजाला की है। देखिएगा आप उच्च इस जो आपके उच्च शिक्षा के जो छात्र हैं उनको इस साल भी किया जाएगा प्रमोट। आगे देखिएगा ये कल के ही न्यूज़पेपर में है, जो मेरठ का न्यूज़पेपर है, फाइनल ईयर के पेपर बाकी में सीधे प्रमोशन, यानी कि फाइनल ईयर के पेपर बाकी में सीधे प्रमोशन, ये आपका जो न्यूज़पेपर है कौन सा है, ये भी अमर उजाला ही न्यूज़पेपर है। यानी कि जो अलग अलग सिटी के लिए प्रिंट होते हैं न्यूज़पेपर, तो उन सभी में यानी कि सभी सिटी में लगभग यही था कि प्रमोट होंगे यूपी के स्टूडेंट। अब इस साल भी प्रमोट किए जाएंगे उच्च शिक्षा के विद्यार्थी, एक बार में नहीं है, आपको मतलब हर स्टेट में जितने भी बार न्यूज़पेपर आया है सभी में प्रमोट किए जाएंगे छात्र। जो आपका डिजिटल में चल रहा है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बड़ी खबर, यूपी में बिना परीक्षा के पास होंगे राज्य विश्वविद्यालय के छात्र, कुलपतियों की समिति की गठन। अब यहाँ पर आगे देखिएगा, अब जो आता है यहाँ पर देखिएगा, अब इसको ध्यान से पढ़ना है। मैंने आपको ये क्यों दिखाए हैं, मैंने आपको क्यों दिखाए हैं, अब इस चीज के लिए मैंने आपको दिखाए, इसको ध्यान से पढ़ना। सम सेमेस्टर की क्लासेस के लिए रहिए तैयार, यानी कि सम सेमेस्टर की जो क्लासेस हैं उसके लिए 20 तारीख से आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी। अब यहाँ पर जब हम इसको पढ़ेंगे, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस और संबंधित कॉलेजों में सम सेमेस्टर की कक्षाएं 20 मई से शुरू हो जाएंगी। वार्षिक प्रणाली में परीक्षाओं पर अभी तक निर्णय नहीं होने पर रिजल्ट नहीं होने से कक्षा शुरू नहीं हो सकेगी। विश्वविद्यालय सेमेस्टर में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कराते हुए कोर्सेज पूरा कराने के में जुटेगा। विश्वविद्यालय में जून के दूसरे हफ्ते में सम सेमेस्टर की परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। विश्वविद्यालय इसे पहले कोर्स पूरा कराकर परीक्षाएं फॉर्म भरवाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। सेमेस्टर को छोड़कर बाकी में कक्षाओं संभव नहीं है, 20 मई से सम सेमेस्टर की कक्षाओं को छोड़कर बाकी किसी भी विषय की कक्षाएं पढ़ाई संभव नहीं है। बीए बीकॉम प्राइवेट रेगुलर बीएससी एमएससी एमकॉम प्राइवेट में अभी तक परीक्षाएं पूरी नहीं हो सकी हैं, इन परीक्षाओं पर निर्णय होने बाकी हैं। जब तक छात्र अगली कक्षा में प्रमोट नहीं हो जाते अथवा परीक्षा के बाद रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक कक्षाएं शुरू नहीं की जाएंगी, तब तक कक्षाएं शुरू नहीं हो पाएंगी। अब यहाँ पर मैंने आपको ये पूरा न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ के बताया है, यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके एग्जाम फॉर्म भरवाने के बाद में आपकी जो जो एग्जाम है वो होने सुनिश्चित है सम सेमेस्टर के, यानी कि एक दिन पहले की न्यूज उसमें कहा जा रहा है कि आपको प्रमोट किया जाएगा। उससे नेक्स्ट डे की न्यूज है कि आपकी जो कक्षाएं हैं उनको कराकर कोर्स पूरा कराने के बाद में आपके जो एग्जाम है वो कराए जाने हैं। तो साथियों, मैं आपसे यही कहूंगा, न्यूज़पेपर आपको पर डे वही कंफ्यूज करते रहेंगे, एग्जाम होंगे नहीं होंगे, सरकार डिसीजन दे रही है नहीं दे रही है, अभी यूनिवर्सिटी दे रही है नहीं दे रही है, अभी कम से कम 10 से 12 दिन लग जाएंगे आपका डिसीजन आने में, एग्जाम होंगे
होंगे या नहीं होंगे, कम से कम 10 दिन आपके लग जाएंगे कि आपके एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। तो आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए और जो आपके सेमेस्टर मोड के कोर्सेज हों या आपके ईयरली मोड के कोर्सेज हों, आप उसकी तैयारी में लगे रहिए। चांसेस ये है कि जो बीएससी बीकॉम के हैं उनको प्रमोट ही किया जाएगा, लेकिन जो आपके सेमेस्टर के हैं हो सकता है उनके एग्जाम हो। मुझे नहीं लगता है कि एग्जाम होंगे, क्योंकि टाइम नहीं बचा है, एग्जाम फॉर्म भी फिल होने हैं सम सेमेस्टर के और उनके एग्जाम भी कराए जाने हैं, तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो आप अपनी तैयारी फिर भी करते रहिए, क्योंकि हमारा कोर्स है तो हमें पढ़ाई करनी है। और जो केसेस है दिन प्रतिदिन जो केसेस है, केसेस का ग्राफ कम हुआ है, लेकिन जो डेथ का रेशियो है वो कम नहीं हुआ है। और जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हैं उनमें से बहुत सारे कॉलेजों में जो प्रोफेसर हैं वो हम उनको खो चुके हैं। हमारे मेरे खुद बहुत सारे करीबी जो मेरे बहुत घनिष्ठ थे, हमारे जो डायरेक्टर थे वो एक्सपायर हो चुके हैं 2 दिन पहले। और हमारे एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, आईसी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर जो मेरे बहुत क्लोज थी, उनको हम खो चुके हैं। तो ऐसा नहीं है, स्थिति बहुत गंभीर है कि अभी एक साथ सब सारी चीजें सही हो जाएंगी, एकदम से सब सारी चीजों को हम कर पाएंगे। लेकिन फिर भी स्थिति को देखते हुए हमें जो सबसे पहले तो यही है कि जान बचे तो सब कुछ है। तो आपको अपनी स्टडी, आप घर पे रहिए, अपनी स्टडी करिए, कंटिन्यू करिए, स्टडी करिए। ऑनलाइन क्लासेस 20 तारीख से स्टार्ट की जा रही हैं। तो आपका क्या कहना है, एग्जाम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? मैंने ट्वीट भी जो कर दिया है, सभी जितने भी शिक्षा से रिलेटेड विभाग हैं सभी में मैंने अपना ट्वीट दिया है इस शिक्षा को लेकर, वो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा, जिसपे आप भी अपना विचार रख सकते हैं, अपना कमेंट कर सकते हैं। तो साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो हमारे अब जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है, नई शिक्षा नीति में जो हमारे ऑनर्स कोर्स थे उनको बंद कर दिया गया है। तो अब उसमें जो बच्चे ऑनर्स की पढ़ाई कर रहे थे, तो उनका क्वेश्चन ये है कि क्या सर हमारा भी जो हम ऑनर्स की पढ़ाई कर रहे हैं तो अब हमारा भी कोर्स बंद हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ऑनर्स कोर्स अब से आगे बंद हुआ है, यानी कि अब जो कोर्स हम एडमिशन शुरू होंगे 21-22 के लिए, उनमें ऑनर्स के एडमिशन नहीं होंगे। जो पहले से चल रहे थे उनकी डिग्रियां पूरी कराई जाएंगी, उनको पूरी डिग्री मिलेगी, किसी भी तरीके की उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बात करते हैं कि उनकी वैलिड होगी या नहीं होगी, 100% वैलिड होगी, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं, प्राइवेट सेक्टर में जाएं। तो साथियों आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। हालांकि जो यूनिवर्सिटी कह रही है कि जो आपका एग्जाम है, एग्जाम आपके जून के दूसरे हफ्ते में प्रस्तावित है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, जून के दूसरे हफ्ते में प्रस्तावित है सम सेमेस्टर का एग्जाम। किसी भी तरीके से जून में एग्जाम पॉसिबल नहीं है, जून में कोई एग्जाम नहीं होना है, ये मैं आपसे 100% कह रहा हूँ। यदि आपके एग्जाम होते भी है तो वो जुलाई में होंगे, क्योंकि अभी आपके एग्जाम फॉर्म ही नहीं भरे गए। एक दिन में कोई भी चीज नहीं होती है, पहले एग्जाम फॉर्म निकलेंगे, एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे, 10 से 15 दिन में एग्जाम फॉर्म आपके भरे जाते हैं, उसके बाद में जो डेट शीट होती है, कम से कम 10 से 15 दिन का टाइम डेट शीट के लिए दिया जाता है। तो कोई भी चीज हवा में नहीं होती है, तो आपके जून में कोई एग्जाम नहीं होने हैं, ये मैं कह रहा हूं अपनी तरफ से 100%। जो आपके एग्जाम है हो सकता है वो जुलाई में कराए जाएं, यदि डिसीजन आता है एग्जाम के लिए, तो जून में आपके कोई एग्जाम नहीं होने हैं। तो साथियों ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें क्लियर कर दी है। और हाँ, एक क्वेश्चन और बच्चे पूछ रहे हैं अपने रिजल्ट को लेकर, तो रिजल्ट जो है आपका जून में ही आ पाएगा, जो आपका मई में आपका रिजल्ट नहीं आ पाएगा, जो आपकी कॉपियां हैं अभी चेक नहीं हो पाई है पूरी तरीके से, कुछ कॉपियां रह गई है, तो जैसे ही उसके लिए कोई भी न्यूज आती है या कोई भी अपडेट आती है तो उसके लिए भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसी चैनल पर। तो साथियों यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।